हाय एवरीवन, सिर्फ एक का ही हाय सुनाई दिया, सब एक साथ करो ना। हाँ अब सही है। आज हम यहाँ पे फिर से मजाक मजाक में सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। हम डॉलीवुड टैलेंट क्लब का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मंच उन लोगों के लिए है जो आप सभी में से कॉमन लोग होते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है और वो किसी ना किसी वजह से अपने टैलेंट को शोकेस नहीं कर पाते। तो बेसिकली ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है या कुछ ऐसा है। आप लोगों का मंच है, आप लोगों के लिए है। आप यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, शेरो शायरी कर सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपके अंदर आपको लगता है कि कोई भी टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और हमारे बीच में ऐसा नहीं, यार मेरी आवाज बंद मत किया करो। अच्छा हाँ, मैं कह रही थी हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं। कोई इंजीनियर है, कोई टेलीविजन से है, कोई रेडियो से है, कोई प्रिंट से है। तो अब हम अपना इवेंट स्टार्ट करते हैं और मोक्ष म्यूजिक के सीईओ मिस्टर राज महाजन और डीटीसी के फाउंडर कह सकते हैं हम उन्हें, क्योंकि उन्होंने ही दिल्ली में ऐसा एक क्लब लॉन्च किया है जहाँ पे हम जैसे लोगों को अपने अंदर का छुपा हुआ कलाकार या प्रतिभा या दिखाने का मौका मिले। तो मिस्टर राज महाजन प्लीज आप स्टेज पे आइए और जोरदार तालियों से राज जी का वेलकम कीजिए। सर आप इवेंट की शुरुआत कीजिए, आपकी ब्लेसिंग्स के साथ में हम इवेंट शुरू करते हैं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आवाज नहीं आई, सुस्ती भरा नमस्कार, क्या बात है भाई। नमस्कार नमस्कार, आवाज सभी की आनी चाहिए। और ये आपका परिवार है, आपका घर है, क्योंकि क्लब है ना, ये इवेंट नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, इवेंट है, गेट टुगेदर है, जिसमें आप सभी लोग ज्यादातर आर्टिस्ट लोग हैं। आम ऑडियंस आप लोगों में से शायद ही कोई होगा, आप सभी लोग जो हैं कलाकार लोग हैं। तो कोई कम गाता है, कोई ज्यादा गाता है, कोई मॉडल है, कोई एक्टर है, सब अलग अलग फील्ड से आए हुए लोग हैं और सभी लोग अपने अपने फील्ड में प्रोफेशनल हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई अब जैंट साहब हमारे सीनियर न्यूज एंकर हैं आकाशवाणी से। जैन साहब को मैं स्पेशली बुलाना चाहूंगा मैं, क्योंकि इसके बाद का मैं जो मंच है जैन साहब और मेघा के सपोर्ट कर दूंगा मैं। जैन साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां। जैन साहब एक मशहूर हस्ती हैं जो कि आकाशवाणी से हैं, इनकी आवाज को आपने काफी सुना होगा और एक बार आप बोल के सुनाएंगे तो सब पहचान जाएंगे ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष जैन से समाचार करिए। तो आगे का मंच जैन साहब के हाथ में रहेगा और आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं अपने पेज से इसको लाइव कर दूंगा, जो मेरा फेसबुक पेज है। आप सभी लोग इसको जो मैं लाइव करूंगा अपने अपने प्रोफाइल पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि क्या है कि जो हमारा प्रोग्राम है, आपका परफॉर्मेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद राज जी। अचानक आपने मुझे ये टाइप बंद करूँ, अरे नहीं है मेरी, किस किसने कौन कौन सा गाना गाना है और क्या ऑर्डर है उसका लिस्ट का। बहरहाल मॉक्स म्यूजिक की तरफ से ये डॉलीवुड टैलेंट क्लब जो बनाया गया है, मेरे ख्याल से 5-6 प्रोग्राम इवेंट हम कर चुके हैं इससे पहले और दिनों दिन हमारे मेंबर्स की संख्या इसमें बढ़ रही है। हेलो, इसका उद्देश्य यही है कि लोग आए, अपना टैलेंट दिखाएं, हुनर दिखाएं और उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिले कि कुछ लोग उनमें से ज़रूर, मेरा दावा है, वादा नहीं दावा है, आगे निकलेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी मेहनत है और किस तरीके की आपकी गायकी, प्रेजेंटेशन, मूड, फील उसमें आता है। तो मैं अब जानना चाहूँगा मेगा, आज के पहले पार्टिसिपेंट कौन है आप बताएं, और इसको कोशिश कर रहे हैं फेसबुक पर लाइव देने की। राज जी से चाहूँगा मैं उसका एड्रेस बता दें, ताकि आप लोग अगर चाहें तो अपने अपने ग्रुप में उसको मैसेज कर सकते हैं कि इसको लिंक को देखें। वो राज जी इसका क्या इसका लिंक क्या होगा फेसबुक पर जो लाइव कर रहे हैं, जो मोक्ष म्यूजिक का ऑफिशियल पेज है
वहां से हम इसको लाइव करते हैं, जो हमारे मोक्ष म्यूजिक का ऑफिशियल पेज है। इस बहाने आप सभी लोग मोक्ष म्यूजिक के पेज पर, हाँ फिर हम लाइव कर देंगे वहां। इस बार हमने एक चीज और की है, हमेशा से जो विनर रहता था वो हम लोग खुद ही डिसाइड करते थे उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, लेकिन इस बार जो जनता जनार्दन है जो हमारे सामने बैठी है वो इस चीज़ का फाइनल करेगी कि कौन विनर होगा, कौन फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आप सभी लोगों के हाथ में एक एक शीट होगी, आप देख सकते हैं उसमें सिंगर्स के नाम हैं जो लोग यहाँ पे आज परफॉर्म करने वाले हैं। तो आपको सुर उनका स्टेज पे वो किस तरह से गा रहे हैं, स्टेज को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस वो सब देख के आपको मार्क्स देने हैं। और आप जिन लोगों को विनर बनाएंगे उनको मिस्टर राज महाजन मोक्ष म्यूजिक की आने वाली एल्बम में सिंगिंग का एज अ लीड चांस देंगे। जोरदार तालियां चीज के लिए। और दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, आप सबको जो शीट दी गई है उसका कारण ये है कि कोई ये ना कहे कि मेरे साथ पार्शलिटी हुई है। जितने भी लोग पार्टिसिपेंट हैं बाकी लोगों की मार्किंग करेंगे, बाद में उनका टोटल होगा तो उस पर उसकी मेरिट बनेगी। तो कहीं कोई पार्शलिटी की मैं समझता हूँ उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि आपको अपने नंबर भी देने हैं, आप अगर अपने को 10 में से 10 देते हैं तो दूसरा भी अपने को 10 में से 10 देगा, तो वहाँ जाके वो सब बराबर हो जाएगा। तो बेहतर है ईमानदारी से इसको करें। मेगा आज का पहला पार्टिसिपेंट कौन है हमारा? आज के हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं जो आप सभी लोगों के दिल पे दस्तक देने आ रहे हैं, निर्भय कश्यप। मैं पार्टिसिपेंट से कहूँगा कि पहले अपना परिचय दें। हेलो, मेरा नाम निर्भय कश्यप है एंड आई थिंक सबको पता है कि आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। वो जो चोरी चोरी दिल पे मेरे दस्तक दे रहा, उसने की कोई हलचल, कुछ हुआ है बाखुदा। वो कौन है मैं जानू ना उसे, उसे देख लूं, उसे झूम लूं, उसे पाके जिंदगी का हर पल, उसके ही नाम मैं करूं, उसमें ही डूबता फिरूं। मैं तो नशा छाया है कहते हैं ये सिलसिले, पाना है तुझको वह हमदम कहते हैं ये फसले। महरूम तो खुद से ऐसा सर है तेरा, जुड़ा है हमेशा सुना पर ये मेरा। वो जो चोरी चोरी दिल पे मेरे दस्तक दे रहा, उसने की कोई हलचल, कुछ हुआ है बाखुदा। वो कौन है मैं जानू ना उसे, उसे देख लूं, उसे चूम लूं, उसे पाके जिंदगी का हर पल, उसके ही नाम मैं कर मैं तो। तुम हो मेरा खुदा, तेरे बिना अब तो जीना मुमकिन ना होगा मेरा।
बिगड़ती ही जाए। हुआ मैं जब से तेरा तेरे तारू जीवन मेरा वो जो चोरी चोरी दिल पे मेरे दस्तक दे रहा उसने की कोई हलचल कुछ हुआ है बाखुदा वो कौन है मैं जानू ना उसे उसे देख लूं चूम लूं उसे पाक जिंदगी का हर पल उसके नाम मैं कर खुद में ही डूबता फिरूं मैं तो ये आपने पहला ओपनिंग बैट्समैन देखा और ओपनिंग बैट्समैन ने ही सीधा छक्का मारा है तो एक जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। मेघा आगे क्या अब सुना रही हैं आप? मेघा तो कुछ नहीं सुना सकती, मेघा सुनाती तो फिर इकट्ठे ही नहीं हो पाते। नहीं नहीं मेघा सुनाएंगी और अभी बताएंगी, ये भी सुनाने से कम नहीं है क्योंकि एंकरिंग के अंदर जब आदमी बोलता है तो वो भी एक परफॉर्मेंस है। तो आप बताइए क्या सुना रही हैं? हम लोगों के जीवन में तन्हाई काफी होती है। कैसी होती है हमारी तन्हाई? कभी अच्छी होती है कभी खराब होती है। हमारा बहुत मन करता है कभी हम उस तन्हाई के साथ रहें कभी उससे अलग रहें। और जब हम तन्हा होते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थॉट्स हमारे मन से बाहर आते हैं। तो ऐसे ही थॉट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा अपना परिचय देंगे और फिर आगे प्रस्तुत करेंगे। ऋषभ शर्मा, मैं आज तन्हाई सॉन्ग गाऊंगा। एक बात कहना चाहूंगा कि ये मंच नहीं, ये रिश्ता है, दिलों को दिलों से मिलाता है, दिलों से दिलों। तो मैं अपना गाना शुरू करना चाहता हूँ। अपना पन कुछ घुटता रहता है
तन्हाई का आलम इन्होंने पेश किया है। फिर मुझे एक बात याद आई, एक शेर बहुत पुराने किसी शायर का, नाम तो याद नहीं है। कोई हाथ बिना लगाएगा जो गले मिलोगे तपाक पे, कोई हाथ बिना लगाएगा जो गले मिलोगे तपाक पे, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से पिला करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो मेरा अब अगला नंबर, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पर परफॉर्म करने आ रहा है वो इस तक खड़े होंगे, ठीक है, ताकि उन पे लाइट अच्छे से पड़ सके और वो अच्छे से वीडियो में कवर हो सके। ओके, नीचे एरिया का मार्क है। और दो बातें और याद रखनी है, एक तो साउंड वालों से कि म्यूजिक का बैलेंस आर्टिस्ट की सिंगिंग से मैच करें, सिंगर की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा रखें म्यूजिक, और जब गाना चल रहा हो तो कोई बीच में क्रॉस ना करे, क्योंकि लाइव भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग भी चल रही है। ओके, अब हम अपने इस गेट टुगेदर को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे जीवन में हमारे माँ बाप का क्या स्थान होता है, हमारे लिए हमारे पापा हमारी मम्मी कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, ये बात हमें बताने आ रहे हैं मितुल कौशिक। और बहुत ही प्यारा नगमा इन्होंने चुना है, इमोशनल कर देने वाला, क्योंकि माँ बाप की बात जब की, कोई ऐसा शख्स होगा जो अपने माँ बाप को प्यार नहीं करता होगा या उनका सम्मान नहीं करता होगा, और जो नहीं करता है अभागा कोई, क्योंकि ये प्यार एक ऐसा प्यार है जो बिल्कुल निस्वार्थ है, बाकी सब प्यार के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वार्थ रहता है।
सब कुछ दिया, खुद के लिए कुछ भी ना रखा। हर मोड़ पर मेरे संग हो खड़ा। हेलो, जिस अंदाज से आप गाया है, हर शख्स की आंखों में उनके फादर का चित्र उभरा होगा। और यकीन मानिए, ये वो रिश्ता है जो सबसे गहरा है। एक बात मुझे याद आई, एक लड़का था, वो कुछ गलत सोहबत में पड़ गया, घर में आ गया जो उसकी कभी हो नहीं सकती थी। उस लड़की ने उसको इतना फंसाया अपने जाल के अंदर, लड़का दीवाना हो गया और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कि इसकी कीमत क्या दोगे मुझे? तो उसने कहा, बोलो मांगो, क्या मांगती हो? लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ का कलेजा चाहिए, ला सकते हो? लड़का एक सेकंड के लिए ठिठका, लेकिन इतना अंधा था, उसने कहा बिल्कुल ला सकता हूँ, 24 घंटे में चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। रात का वक्त, माँ कमरे में सो रही। उस लड़के ने चाकू उठाया, धीरे धीरे बेडरूम की तरफ पढ़ा माँ ने, देखा गहरी नींद में है। उठाया, लगातार सीने पर वार किए, चाकू से गोद के कलेजा निकाल लिया, थाली में रखे एक्साइटमेंट में भागा उस लड़की के घर की तरफ। जैसे ही भागा, बाहर पत्थर पड़ा था, टकरा के गिर पड़ा, तो कलेजे से आवाज़ आई, बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं लगी? तो ये माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है कि बच्चा चाहे कितने भी गलत काम कर ले, कितना भी वो उन्हें लताड़ ले, उल्टा सीधा कह ले, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे का हित ही सोचते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं। माहौल थोड़ा सा भारी सा हो गया है, तो इससे अब हल्का के लिए मैं बुलाती हूँ रिंकू शर्मा को, जो आपके सामने परफॉर्म करेंगे सोचा ना था। देखिए, जिंदगी ना कितने सारे कलर्स दिखाती है, ये आपको इस गाने में पता लगेगा कि जिंदगी क्या है और क्या क्या वो अपने पीछे छोड़ जाती है। रिंकू जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा, उसके बाद। हेलो दोस्तों, मैं रिंकू शर्मा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आया हुआ हूँ। चलेगी जिंदगी, सोचा ना था
चलेगी जिंदगी। खोया हूँ मैं सब कुछ मांगकर, फिर भी आंखों में ना है नमी। रास्ता मुझसे स्पेशली कहा गया था डॉलीवुड का गाना गाने के लिए, जब डॉलीवुड का मैं पहली बार गाना सुनते ही मैं लिख के लाया हूँ। ये थे रिंकू शर्मा जी, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रयास किया। डॉलीवुड सॉन्ग जो इन्होंने बोला, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा डॉलीवुड सॉन्ग क्या चीज़ है। डॉलीवुड सॉन्ग वो है जो बॉलीवुड में नहीं है और जिसकी कंपोजिशन म्यूज़िक की खास तौर पर राज साहब ने खुद तैयार की है, लिरिक्स उस पर कंपोज किए और सिंगर को बताया गया कि तुम्हें गाना गाना है, गैर फिल्मी दिल्ली का कलाकार। और ये सभी गाने जो डॉलीवुड में हैं ये मोक्ष म्यूजिक से रिलीज होते हैं, इसलिए इन्हें डॉलीवुड कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली में होते हैं। सुनने वाले तो इन्हें कहीं भी सुन सकते हैं लेकिन इनका जो अस्तित्व होता है वो दिल्ली से होता है, इसलिए इन्हें डॉलीवुड कहते हैं। और ये मिस्टर महाजन के दिमाग की उपज है कि इसे डॉलीवुड टैलेंट क्लब का नाम दिया जाए। सर आपके बारे में कुछ कहा जा रहा है, थोड़ा सा टॉलीवुड के बारे में आप एक बार और विस्तार से बताइए। इससे जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी के दिमाग में हो क्या, आपके विचार में कैसे आया कि इसका जो है गठन किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है जनता। डॉलीवुड बेसिकली तो डॉलीवुड यानी कि दिल्ली से उभरा हुआ हमारा अपना छोटा सा बॉलीवुड, लेकिन डॉलीवुड क्या हुआ कि जब मैंने शुरुआत करी थी मोक्ष म्यूजिक कंपनी की, मेरे सामने चैलेंज था कि नया क्या, ठीक है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, हमारे गाने iTunes पे, सावन पे, गाना पे, दुनिया भर की वेबसाइट्स में हमारे गाने पब्लिश होते हैं, हमारे अपने स्टूडियोज हैं, हमारे अपने मॉडल्स हैं, हमारा अपना सेटअप है, पूरा प्रोडक्शन हाउस है। अब समस्या है कि सिंगर कहाँ से लेके आए। अगर मैं बॉलीवुड जाता हूँ, बड़े सिंगरों से बात करता हूँ तो वो छोटे मुंह खोलते हैं कि 3 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, मैं क्या करूँ ऐसे में। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग अपना वुड बनाएंगे, यहाँ पे हमारे अपने सिंगर्स होंगे जो अपना गाना गाएंगे और हम उन गानों को आगे लेके जाएंगे जिनका नाम होगा डॉलीवुड। आप लोग जो बैठे हुए हैं ना, इनमें से कुछ के लिए हो सकता है कि सिंगिंग सिर्फ एक हॉबी है, बट आप में से कुछ लोग मैं देख सकता हूँ आगे उस बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पर आपकी कीमत जो मुंबई के अरिजीत हैं, सोनू निगम हैं, लीजेंड हैं, वो लोग आप उनसे आगे होंगे क्योंकि आपके अपनी आपकी अपनी पहचान, आपके अपने गाने, आपका अपना म्यूजिक, अपना प्लेटफॉर्म होगा। ये मेरा विजन है कि हम लोग हमेशा कहाँ भागते हैं, कभी हमको सिंगर बुलाना होता है बॉलीवुड जा रहे हैं, हमें इवेंट करना किसी कॉलेज के अंदर, कहाँ जा रहे हैं बॉलीवुड से बुला रहे हैं। अरे कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे ना कि दिल्ली में से आपके बीच में सिंगर निकल के आएंगे और जो हमारे सेलिब्रिटी बनेंगे आने वाले। ये मेरा विजन है डॉलीवुड का, तो उसकी शुरुआत है और आप में से कुछ लोग मैं देख सकता हूँ कि आज तक जाएंगे। तो इसके लिए अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कलाकार हैं, सिंगर हैं, उनको थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना होगा ताकि उस प्लेटफॉर्म में वो मंच में सबसे आगे हों। आज पहले मंच में आगे हो सकता है दूसरा कल आगे आए और तीसरा परसों आए, लेकिन आएगा जरूर अगर आपकी मेहनत सच्चे लगन से हो रही है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि इस क्लब से जुड़ने के लिए आपको कोई स्पेशल बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में महारत हासिल करनी हो या आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली क्वालिफाइड हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है आप गा सकते हैं, सुरों की आपको समझ है, आप गाना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अपने गेट टुगेदर को। आप सभी लोग मार्क्स दे रहे हैं ना जो यहाँ परफॉर्म करके जा रहे हैं? ओके जी, ठीक है, अब हम आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अरविंद शर्मा को। ये बताएंगे कि सांसें क्या होती हैं, एक दिलबर के लिए सांसों का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अरे बहुत ही नाजुक मुद्दा दे दिया इनको, आइए।
क्या बात है, सांसों में बच गई है तू। अब नाम पूछूं तो शायद तुम्हें बताओगे। इस गाने के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात यह है कि जो आपने इसमें मेगा को तो देखा, मेगा के अपोजिट एक लड़का देखा आपने जो काला चश्मा पहने हुए है। आप में से हो सकता है कि कुछ को ये बहुत उपहासिक लगे कि अरे नहीं ये कैसा हीरो लिया है, कौन है। सच्चाई ये है कि वो लड़का ब्लाइंड है और ब्लाइंड होने के बावजूद उससे हमने क्या कि एक चैलेंज था। मेरी आदत है कि हमेशा कुछ नया करना होता है तो हमने उस ब्लाइंड बच्चे को गाया उसने है, उसका नाम अनु सक्सेना है, कि हम एक्ट भी इसी से कराएंगे। तो ये मेगा का हार्डवर्क है कि किस तरह से एक स्पेशली एबल्ड पर्सन को हमने उस गाने में एक्ट कराया और कोशिश ये है कि कहीं पे ना लग पाए कि वो स्पेशली एबल्ड है, नहीं देख सकते हैं। तो कोशिश थी कि हम लोग सबको लेके आगे लेके आते हैं। तो और ये सारा जो गेट है मेगा को जाता है, उन्होंने बेसिकली उनसे काम कराया था। तो एक बार मेघा के लिए जोरदार ताली। और मेघा आज तो मेरा दिन बन गया क्योंकि एक पिक्चर की हीरोइन मेरे साथ हैं। तो एक क्लिक हो जाए फिर मेरा पास आई आई आई। देखिए इसी तरह की चीजें होती हैं टॉलीवुड टैलेंट सब में। तो कोई भी यहाँ पर आके कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, कुछ भी एक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट रियालिटी में जो है वो है सर मिस्टर राज महाजन ही है जिनकी वजह से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। बाहर बहुत से लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक उन्हें जाना चाहिए। तो इन्हीं के दिमाग की उपज है ये सारी चीजें। मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत अच्छा गाता हो या कुछ भी उसके अंदर एक हिडन टैलेंट हो जो वो लोगों के सामने जाहिर करने में शर्मा रहा हो तो एक बार उसे डॉलीवुड टैलेंट क्लब जरूर लेकर आए। हो सकता है आज वो यहाँ नहीं है लेकिन नेक्स्ट इवेंट में, नेक्स्ट गेट टुगेदर में वो साथ में रहे। तो थैंक यू राज सर, आप डॉलीवुड टैलेंट क्लब दिया जिसमें हम जैसे लोग काम के इतर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां राज महाजन। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, क्या आप एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है? तो जोरदार ताली बजाइए, वही बताएंगी कि हाँ आपको पसंद आ रहा है कार्यक्रम। तालियां अभी कम है, कुछ लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं। बाबा रामदेव का चमत्कार उन तक शायद नहीं पहुंचा है। अब हम अपने तो गेट टुगेदर को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अंशु को। अंशु स्वागत है, आप आए। जो बताएंगे कि आजकल वैसे ना ये प्यार मोहब्बत इश्क ये सब चीजें ना ऐसी हो गई कि हाँ हर दूसरे इंसान को, हर पहले इंसान को, हर तीसरे चौथे इंसान को प्यार हो जाता है। तो इस गाने के बाद मैं आप सभी लोगों से जो यहाँ बैठे हैं उनसे एक छोटा सा क्विज राउंड करूंगी जिसमें मैं उनके लव इंटरेस्ट के बारे में उनसे पूछूंगी। और अब यहाँ से कोई उठ के नहीं जाएगा, मैंने अगर ये अनाउंस कर दिया तो मैं चाहती हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो बैठे रहें। ठीक है, तो अंशु पहले आप अपने बारे में बताएं। हेलो, हेलो, मेरा नाम अंशु चौहान है और बेसिकली मैं आगरा से हूँ और दिल्ली में म्यूजिक के लिए ही शिफ्ट हुआ हूँ 1.5 साल से पिछले। और मैं 11वें गाने जा रहा हूँ। पर्सनली इस गाने को बहुत पसंद करता हूँ, पर्सनली मैं पसंद करता हूँ राज सर को। मैं फेसबुक पर उनको फॉलो करता हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बींग। मैं देखता रहता हूँ वो बहुत डोनेट करते हैं,
जो हम बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो आई लाइक यू सर, और इजाज़त चाहूँगा। गले के बावजूद इतना सुरों को छुआ है इन्होंने, मर्म स्पर्शी जिसे कह सकते हैं हिंदी में, बहुत खूबसूरत अंदाज। इस ग्रुप में है ना, वो पीछे निर्वेजी ने कंसर्ट दिया था कि थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो वो आपने ना इधर वो थोड़ा बहुत वाली पकड़ ली है, इनका थोड़ा बहुत चलता रहता है। जैसे कि अभी प्यार तो मैं बीवी से करता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत चलता रहता है। अब निर्वेजी क्या एक प्रोफेसर है बेसिकली अमेठी के अंदर,
तो जाहिर सी बात है कि अब इधर बगल में क्या है कि अध्यापिकाएं जो होती हैं वो थोड़ा मन लगा लेते होंगे इधर उधर। कॉलेज है तो छात्राएं होती है तो सही है, वो तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। और भाई साहब ने भी वो योगेंद्र खोखर साहब ने भी क्लियर कर दिया कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो इतनी 8-10 जाती हैं, वो थोड़े थोड़े बहुत के अंदर ही 8-10 जाती हैं। सर आप बताइए आपका लव इंटरेस्ट। मेरा तो मेरा लव इंटरेस्ट मेरा पैशन मेरा नशा एक ही है, वो है म्यूजिक। म्यूजिक से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। उसके अलावा मेरे दो बच्चे हैं सौम्य और मोक्ष, उनसे मैं बहुत प्यार। गेस्ट कह लो उन्हें, स्पेशल एंट्री कह लो उन्हें, उनको बुलाते हैं संदीप जी को। वो अपने बारे में खुद ही बताएंगे वो क्या करते हैं, यहाँ क्या करने वाले हैं। आइए संदीप जी। तो आज सभी लोगों का स्वागत है म्यूजिक की तरफ से, और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राज माझा जी के लिए। बहुत अच्छा नाम सुना हुआ है आज, फर्स्ट टाइम मैंने देख भी लिया इन्हें राज माझा जी को। यहाँ पे सब डांसिंग सिंगिंग के लिए आए हैं सब, तो कुछ कॉमेडी हो जाए। आप लोग यहाँ पे ऑटो में आएंगे, आपने ऑटो वालों से कहा होगा भैया जल्दी से चल हमें कंपटीशन में जाना है, तो ऑटो की स्पीड किस तरह से बढ़ गई। आप सब लोग गाजियाबाद से तो जरूर आए होंगे, आपने गाजियाबाद में देखा होगा छकड़ा गाड़ी जब चलती है तो दूर से आके पास निकल जाती है। आपके सबके घरों में टेलीफोन है, तो टेलीफोन कैसे बजता है? और जितने भी ऑडियंस आई है सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल कैसे? और आजकल नए नए टेलीफोन आ गए हैं कॉर्डलेस फोन, तो आज उसे कहीं भी ले जाओ तो कॉर्डलेस फोन कैसे बजता है? कबूतरी कबूतर से नाराज हो गई तो कबूतर मनाता है कबूतरी को, और कबूतरी कैसे जवाब देती है? और आप कौवे के झुंड, जब एक कौवा मर जाता है तो बाकी कौवे के झुंड कैसे चलाते हैं? आखिर यहाँ तो सब लोग आए हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे तो नहीं आए। आपने देखो आपके आसपास पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं अपने पापा के जादी लाडले होते हैं, तो थप्पड़ मारो पापा बाबा चिल्लाते हैं। और आपने देखा होगा आपके घर के आसपास अभी कितने हो गए। चलो ठीक है, आपने देखा होगा आजकल गांव में छोटे छोटे हैंडपंप आ गए हैं, तो छोटे छोटे जो छोटे हैंडपंप होते हैं ये संदर्भ में चलते हैं, और बड़े वाला हैंडपंप। अच्छा आपने देखा होगा आपके घर के आसपास बहुत सारे कुत्ते हो गए हैं, आप आपके आपको तो कुछ कहेंगे नहीं दूसरे हुए वो सबको काटते हैं, तो दूसरे आउटसाइडर कुत्ता जैसे आया नहीं घुराना चालू। अच्छा और बाकी जो नीचे छोटे छोटे पिल्ले छिपे रहते हैं बताते छोटे पिल्ले कुत्तों को छेड़ेंगे। अच्छा कुछ हमारे बॉलीवुड स्टार आ गए राज माझा जी के साथ कबड्डी खेलने के लिए, तो माझा साहब ने कहा कि बॉम्बे एक्ट्रो को फोन किया भाई कुछ नया किया जाए ऑफिस में, तो माझा जी ने कहा कि हम बॉलीवुड स्टारों को बुलवा जाए कबड्डी के लिए, तो कहते हैं हमारे राजमा जी से ओम प्रकाश जी आ गए कबड्डी के लिए, तो ओम प्रकाश जी के साथ मेरे राज माझा जी मेरे साथ कबड्डी खेलने मैदान में आई है। अरे राधा बिटिया मैं माझा जी के साथ कबड्डी खेलने जा रहा हूँ, अरे भाई सब लोग आ गए कबड्डी के लिए। तो हमारे संजय दास साहब कहते हैं ओम माझा साहब आ गए मैं भी देखो कबड्डी के लिए कबड्डी ए भाई तो भी आऊँ मैं कबड्डी खेलने। तो हमारे देवनंद साहब कहते हैं आप कौन है मैं कबड्डी खेलना मकान आऊँगा तुम बजाओ कबड्डी। तो हमारे ओम प्रकाश और अशोक कुमार आ गए अरे पटे कबड्डी खेलना तुम बजाओ कबड्डी। तो मिथुन दास चक्रवर्ती कहते हैं अरे चला क्या मैं भी कबड्डी खेलूँगा क्या ओए चला ओए कबड्डी। धन्यवाद। ये थे हमारे मेहमान गाजियाबाद से आए, बहुत ही
बारीकी से इन्होंने जिंदगी की चीज़ों को नोट किया और बिल्कुल हूबहू उसको आपके सामने पेश किया। एक बार जोरदार इस कलाकार के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सबसे अलग है आज की इस महफिल में। एक नया मसाला था, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छा किया आपने। कल क्या था कि कल मैं आउट ऑफ दिल्ली गया था, जाते जाते दिमाग में आइडिया आया, मैंने मेगा को फोन किया, मेगा ऐसा करना है। मैं क्या फोन किया था मेगा आपको? कॉमेडी एक मूवी के लिए, कि जिसमें हम एक घंटे की एक मूवी बनाएंगे, वो कॉमेडी मूवी रहेगी, जिसमें मिस्टर महाजन लीड रोल करेंगे एज एन कॉमेडियन, और उनके साथ में लकीली मैं भी रहूँगी, तो यस आपके अपोजिट रहूँगी। ये सर ने मुझे आइडिया दिया था कि हम कुछ कॉमेडी करेंगे। हमें से अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट किसी के पास है या लिख सकता है तो प्लीज टच में रहिएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो मूवी देखी हुई, दादा कोंडके की मूवी आया करती थी पहले, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। ऐसी मूवी मेरे बनाने का दिमाग में है कि मैं बनाना चाहता हूँ ऐसी मूवी, और लीड में खुद करना चाहता हूँ। तो किसी के पास ऐसी स्क्रिप्ट है जो लिख सकता है तो प्लीज आके आगे आइए, उस स्क्रिप्ट हम लोग लेंगे और फिर मूवी बनाएंगे, और उसके अंदर हम इन जैसे टैलेंट को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ तो बैकग्राउंडिंग होती है ना, हमको डिफरेंट स्कोरिंग करनी होती है, इफेक्ट्स चाहिए होते हैं, इनको हम लोग हो सकता है वहाँ के लिए याद करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आइडिया है, तालियां। अब अपने इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे बीच में डीडी चौधरी भी आ गए हैं, तो नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस है वो है डीडी चौधरी की, जो बता रही है कि जो हमारे पिया जो होता है बेसिकली ये महिलाओं की तरफ से है अपने लव इंटरेस्ट के लिए, कि उनके पिया में कितने सारे रंग होते हैं। तो डीडी जी आइए बताइए। मैंने पहले ही बताया हुआ है, मैं बिना संगीत सुने कुछ गुनगुनाया कभी सोता नहीं हूँ, और अनलकली आज मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है, एक्चुअली मुझे फीवर है, तो अगर थोड़ी कहीं पर कमी होगी तो क्षमा करिएगा आप लोग प्लीज। प्यार की
सर पे चढ़ा होले होले बाहों में आ दिल में समा प्यार की भाषा बोले उससे सुकून है पाया तूने करार है दिया नींद मेरी ले ली चैन मेरा लिया ओ पिया हो पिया हो पिया है मरहबा गुरबा में तुझ पे हर दिल है जीना मेरा तेरे बिना अब तो नहीं मुमकिन है दिल का सदा है मरहबा गुरबा में तुझ पे हर दिल है जीना मेरा तेरे बिना अब तो नहीं मुमकिन है शोहबत में तेरी आके तेरे लिए दिया नींद मेरी ले ली चैन मेरा लिया हो पिया
जी आपका म्यूजिक ग्रेट। आपका म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। मित्र जी ये आपका पहला सॉन्ग है जो रिलीज हो रहा है या इससे पहले भी किया कभी? पहला सॉन्ग है, वीडियो पहला सॉन्ग। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था। मैं रोज मेघाधी को मैसेज करता था, मेरा सॉन्ग हो गया, मेरा सॉन्ग रोज पूछता था। जब ये आपको पता लगा कि आपका सॉन्ग जो है वो वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है, आपको रात को नींद आती थी? बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसा अक्सर होता है जब आदमी को ब्रेक मिलता है तो रातों की नींद उड़ जाती है उसकी, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट होता है, उसके पीछे एक मेहनत होती है जो उसको वहाँ तक पहुँचाती है। कितने साल आपने मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए? मैं बचपन से तैयारी कर रहा हूँ, सीखा मैंने कभी नहीं, बस खुद ही रियाज करता हूँ और अपने आप। ये है इनका पैशन, सीखा कभी नहीं और रियाज खुद करते हैं। इस बात पर मैं समझता हूँ तालियों से इनका आशीर्वाद उनको दिया जाए ताकि ये और तरक्की करें। और साथ में धन्यवाद किसको करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं राजमहाजन सर को ही धन्यवाद करूँगा। मैं पहले यहाँ 1.5 साल पहले आया था मोक्ष में, मैंने 11th और 12th में सिंगिंग छोड़ दी थी बिल्कुल। और मैंने एक बार फेसबुक पे देखा था कि मोक्ष म्यूजिक में ऑडिशंस हो रहे हैं और मैं मजे में ही ऐसे ही आ गया था यहाँ, उसके बाद अब मैं यहाँ खड़ा। बहुत खूब, आपको बधाई और आपके लिए भविष्य के वास्ते शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जल्द ही ये गाना YouTube पे लाइव हो जाएगा और जितने भी म्यूजिक चैनल्स हैं, सावन गाना, साउंड क्लाउड एंड मोर देन 250 वेबसाइट म्यूजिक स्टोर्स हैं डिजिटल, वहाँ पे ये गाना अवेलेबल हो जाएगा 3 दिन के अंदर। तो आप इस गाने को ऑफिशियली डाउनलोड और स्ट्रीम कर सकते हैं और आपको बहुत बधाई है, आप अपने जीवन के इस प्रोफेशनल चरण में एक कदम आगे पहुँच गए हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं एक बार फिर सबको बता दूँ कि इस वक्त इसका लाइव वेबकास्टिंग चल रहा है फेसबुक पर मॉक्स म्यूजिक के नाम से। जो लोग देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स उस पर दे सकते हैं और अपने मित्रों को भी इस पर आमंत्रित कर सकते हैं कि वो आए और इस लिंक से आज के इस प्रोग्राम को लाइव देखें। तो अब मेगा, अब आगे कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं मेगा दी को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत की, मुझे रोज बताती थी कि आज यहाँ आना, आज वहाँ, ऐसे वैसे। तो थैंक यू सो मच दी, बाकी अच्छा सीखिए, अच्छा करिए। और भाई मैं सबके साथ हूँ, आप अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे तो मैं जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपके लिए करने की कोशिश करूंगा सभी के लिए। भाई राज जी, रियाज तो रोज मैं भी करता हूँ, मेरा भी ख्याल रखिएगा। क्योंकि मैं भी पाइपलाइन में हूँ आपके पीछे पीछे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। शहजादी आई है क्लब में, सबसे ज्यादा सेक्सी दिखती है जो सब में। एक बारी बोल तैयार हूँ मैं बैठा, खुश कर दूंगा स्टैमिना, बड़ा है बेबी मुझ में। बड़े दिनों से भटक रही थी, आंखों में मेरे खटक रही थी, भीगी सी निगाहों से बेबी तू मुझको पकड़ रही थी। मैं भी बेबी टल्ली पूरा, तू भी फुल फील में है, देखने में लगे मुझे माल अभी सील में है। समझ मेरे इशारे को, नंबर नोट कर यार का, डिक-चिक होगी शीशा काला मेरी कार का। इससे पहले कोई पटाले हल निकालो मसले का, ज्यादा ना उछल ऐना कोंडा डसलेगा। अब आप सभी लोग अपना अपना इंट्रो दीजिए,
आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? मुझे ऐसा फील आया जैसे किसी एक मिनट मुझे अभी नंबर दो से ऐसा फील आया कि जैसे मैं किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा हूँ। ये पिच तैयार तो रखी थी नंबर दो आपने, नंबर एक है हाँ पिच तैयार तो रखी थी। क्या करते हैं आप? मॉडलिंग तो करते हैं, मतलब आई मीन जॉब स्टडी क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। पिच थोड़ी अच्छी थी आपकी, लग रहा था कि मैं किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा हूँ। अकेला छोड़ गए सभी को नंबर देख लिए ना, सभी ने मार्क्स दे दिए अपने अपने ना, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं भाई, जिस प्रकार जो वोट होता है किसी नेता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार आपके जो मार्क्स हैं इन मॉडल्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपके मार्क्स के आधार पे इनमें से हम लोग दो मॉडल्स को पिक करेंगे अपने अपकमिंग सॉन्ग के लिए। और जाहिर सी बात है कि हमने पीछे क्या करा है उस पर भी झलकी दिखाते हैं। आपके पीछे एक मॉडल है अजीता झा, इसके लिए भी एक बार जोर देता हूं।
चलिए देखिए देखिए कुछ हो वो कर दूँगा मुझे वो फिर आप उसको नहीं कर सकते अगर बक्शी आएगा तो करेंगे बक्शी का क्या बक्शी याद मन बरस जा सोया मेरे दिल दो मौसम में और रुक जाता भाई रुक जाता हेलो मैं हूँ राज महाजन अभी हमारा एक और गाना आ गया है मेरी अखियों के सावन में तू याद मन बरस जा सोया इससे पहले आपने एक गाना हमारा देखा था दूरी है ये कैसी जिसमें मॉडल अजीता था और मॉडल उमर अली थे ये गाना उसी का सिक्वेल है बेसिकली उसी कहानी का एक्सटेंशन है आज मैं आपको मोशन जी का एक गाना है जो भी आपने लिखा सावन में आप जिसे सचिन देव मेहता ने गाया है इससे पहले भी आपने सावन में आप सुना होगा लेकिन वो मेका बाजी की आवाज़ में था ये गाना थोड़ी अलग ही फ्लेवर का है अलग ही टोन का है सब कुछ बहुत ही डिफरेंट है पहले पहले उस गाने से सावन में आप ये इसलिए आपको गाना बता दूँ तो ये हमारा एक गाना था दूरी है ये कैसी उसका सीक्वल है और उसमें जैसे हमने दिखाया कि लड़की को कैंसर हो जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी कैसी लाइफ रही है या उसके बाद उसका क्या होता है ये हमने गाने में दिखाया जैसे कि आपने देखा थैंक यू सो मच पूरी मोक्ष म्यूजिक की टीम को बिकॉज वो इतना अच्छा सपोर्ट करता है लगता है ये हम शूट पे हैं बिल्कुल फैमिली की तरह थैंक यू सो मच मेघा मैम जिन्होंने मेरे को इतना ऑप्शन डायरेक्शन दिया है और कभी मुझे मैसेज नहीं होने दिया कि मैं कभी की फैमिली से अलग हूँ थैंक यू देव सर जिन्होंने इतना ऑप्शन शूट किया है इतना अच्छा एडिटिंग मतलब अभी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा शूटिंग एक्सपीरियंस हमारा कमाल का रहा क्योंकि ज़्यादा कास्ट थे नहीं इसमें और दूरी इसका कॉन्सेप्ट था सिर्फ और उसी का सीक्वल है तो अजीता के साथ सिर्फ काम करना था और अजीता एक बेसिकली बहुत अच्छी मॉडल है पुराने वाले गाने में जो दूरी है ये कैसी है ना हमने ड्रग्स के इफेक्ट को दिखाया था कैसे ड्रग्स किसी आदमी की जान ले लेती है तो उसी गाने को आगे बढ़ा के हमने जब जो हमारी जो फीमेल लीड है अजीता था अकेली रहा दी है अपने हीरो के जाने के बाद ये उसी कहानी को हमने आगे बढ़ाया और एक मैसेज वही कंटिन्यू है कि ड्रग्स को अवॉइड करिए ड्रग्स अगर आपके जानने वाला कोई फ्रेंड है तो इससे इसमें एडिक्ट है ड्रग्स से प्रभावित है तो उनको निकालिए उसके बुरे प्रभाव से क्योंकि जानने वाले कभी दोबारा नहीं आते ऐसा ही कुछ मैसेज है इस गाने के अंदर और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी राज महाजन सर को जिन्हें मुझे सेकंड टाइम इनका अच्छा चांस दिया अपनी एल्बम में काम करने का थैंक यू सो मच प्लीज फ्रेंड्स शेयर दिस सॉन्ग लाइक दिस सॉन्ग यहाँ पे मैं बात करती हूँ राज सर की अगेन उनको थैंक्स देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने इस तरह का एक वो कॉन्सेप्ट लेकर आए उन्होंने गाना सोचा सो थैंक यू सो मच सर भरोसा किया और काफ़ी उन्होंने ऐसे गाने लिखे हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं और उनमें से एक ये सावन में आ गया सबने अच्छा काम किया है सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ वो गाना अच्छा हिट हुआ था लोगों ने काफ़ी पसंद किया था मुझे उम्मीद है ये गाना भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा आप लोग हमें बहुत प्यार करते हो और उस प्यार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाकर ला सकूँ थैंक यू
सारे गा मा पा के विनर रह चुके हैं और मॉक्स म्यूजिक के साथ ये मेरी सेकंड एल्बम आई है और अभी थर्ड और फोर्थ रेडी है। कैसा लग रहा है आपको जब ये एल्बम ये एल्बम बहुत डिफरेंट है बिकॉज इसमें एक तो रोना और साड़ी फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया और लास्ट में वो मर जाती है और मैंने थिएटर किया हुआ है कभी मैंने एल्बम बहुत सारी बट सर जो मेरे को देते ना कि हाँ तुम्हें ये नहीं ये करना है इसमें बहुत एक तो रोना धोना था वो मर जाती है ऐसा कभी मैंने किया ही नहीं क्योंकि जो मेरे थिएटर वाले सर भी थे उन्होंने मेरे को बहुत हमें चुलबुला वाला डांसिंग वाला ऐसा लैला करोल ये वो सारे अच्छे अच्छे दिए थे तो सर ने मेरे को ऐसा दिया मतलब ये था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पर सर को ये विश्वास था कि हाँ ये कर लेगी तो सर मेरे को बहुत ऐसे डिफरेंट सॉन्ग्स थे हाँ तुम ये कर सकते हो ये कर आमतौर पर आदमी जब जिंदगी में परेशान हताश हो जाता है तो सोचता है भगवान मुझे बुला ले आपने शूट किया और वो फील अपने अंदर लाया तो कैसा लगा मतलब उस टाइम पे मुझे ये था कि ये सॉन्ग मुझे करना है इसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा उसके बाद वो हो पाए पर मैं इतनी नॉटी टाइप की हूं कि मेरे माइंड में ये सब आना और रोना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था तो इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा और आई मेरे को खुद नहीं लग रहा कि ये मैं देखो जी सास बहू की जोड़ी ये कनेक्शन कैसे बना है ये मुझे अभी जो हमने लास्ट सॉन्ग शूट किया है उससे हमारा ये सास बहू वाला रिलेशन बना इससे पहले बिकॉज़ हम लोग सिस्टर ही थे पर अभी जो हमने किया उसमें मैंने साड़ी वाड़ी पहना तो ये मेरे को सासू माँ की तरह ट्रीट करती है ये कर चल वो नहीं वो कर मतलब मेरे को नहीं रोना है नहीं तुझे ये करना पड़ेगा तू कर सकती है तू ये कर तो ये मेरे को शूट पे बहुत हुकुम चलाती है इसलिए मेरी सासू माँ ठीक है भाई ऐसी सासू माँ हर मॉडल को मिले हर एक्टर को मिले सासू माँ ऐसी बहू सबको मिले जो बहू ना होते हुए भी सारी चीजें आपकी माने रियलिटी में अगर मेरा कभी लड़का हुआ तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी ऐसी ही बहू हो कितनी गॉर्जियस इतनी सुंदर मालिक एक है प्यारे Everybody.
ऑडियम फ्रॉम फैजाबाद ओ हो लाल मरी बाप रतिया पल्ला झूला लाल प्रोफेशनल टॉप स्किल एंड सेल्स ट्रेनर एंड along with that I'm very fascinated about this field like modding acting along with that साथ रहूंगा मैं तेरे दुनिया में है बैरी बतेरे मुझको फर्क ना पड़ने वाला मेरे यार ने मुझे संभाला पहले से इनसे काम करते हो उनके साथ बहुत ही अच्छे थे हर जाल जलाद तेरे बाण हमें जाल जलाद तेरे बाण हमें पहले भी हम करते थे आइए पल्ला झूले लाल तेरे संग में हमेशा मुझे दुनिया दिखा दे बस इतना करा दे धर्म मेरे दिल के में मिट ना सके तो मुझे मिट्टी में मिला दे हिंद सिंध बिरादरी नौबत बाज तेरी नौबत बाज हिंद सिंध बिरादरी नौबत बाज हिंद सिंध बिरादरी गो 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 वाकई में दमादम मस्त कैलेंडर हो गया है आज स्टेज पे अब इन सब मॉडल्स को जिन्होंने रेडी किया है जिन्होंने इन्हें इतना गॉर्जियस इतना ब्यूटीफुल एंड हैंडसम फॉर मेल बनाया है उनको मैं स्टेज पे बुलाती हूँ भावनागर मैम प्लीज कम मैम कुछ बताइए अपने बारे में तो अपने बारे में बाकी कहना चाहूँगी आप सब लोगों के स्वागत करना चाहूँगी इतने अच्छे अच्छे सिंगर से मिलने का मुझे मौका मिला बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ मुझे सुनने को मिली है पहली बार मैंने सभी के गाने सुने हैं और मुझे आपका बहुत अच्छा लग रहा है मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड मेरी टीम भी मेरे साथ काम करती है रीता है मेरे साथ और भी टीम मेंबर्स हैं मेरे साथ लेकिन अभी नींद नहीं थी दो चार पीलो भी थे तो इसलिए मैं और ये साथ में मिलकर काम करते हैं भावनगर नाम है मेरा एंड नोबिना मेकओवर्स मेरा ब्रांड है जिसके अंदर पूरी टीम काम करती है मेरी और मैं क्या कहूँ बाकी मॉडल काफ़ी सुंदर सुंदर हैं मैं क्या सुंदर बनाऊँगी इनको बाकी मेकअप से तो सभी अच्छे हो जाते हैं थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच मैम अब आप सब लोग वापस सभी ने मास्क दे दिए किसी का नंबर नहीं दिख रहा है तो आप पूछ सकते हैं सेवन सेवन पानी लगाया इंसानियत धर्म मैंने खुद को बताया कि बंदा हूँ मैं नहीं करत का पैदा हुआ दुनिया में जब का देखा मैंने लेते हुए धर्म के नाम पे फिर की सबका सारे धर्म तुम भूल के आओ देश को तुम अब आगे बढ़ाओ ना किसी काम की वो जवानी जो ना बोले हिंदुस्तानी कोई ना धर्म हिंदुस्तानी में मेरा 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 कोई ना धर्म सारे तुम
अब हाथ बढ़ाओ सबको तुम अब एक कराओ पूरे वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाओ मरना है कटना है लड़ना है करना है पर कभी गर्दन नहीं झुकानी देश के लिए जो कुछ कर दे वो सच्चा हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी में मेरा कोई ना धर्म हिंदुस्तानी में मेरा कोई ना धर्म हाँ हिंदुस्तानी में मेरा कोई ना धर्म हाँ हिंदुस्तानी में मेरा कोई ना धर्म हिंदुस्तानी हमने इस बार चार मॉडल्स दिए हैं जिनको हम लोग अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो में ब्रेक देंगे उनके क्या नाम है मुझे तो हम लोग को अंदर से हमें नहीं पता था ठीक है नहीं तो ये तो यहीं पर इनको पता होगा फिर भी हम लोग रिपीट कर देंगे और आज जो बेसिकली सिंगिंग की परफॉर्मेंसेस हमने सबसे मार्क्स लिए थे और अच्छा फीडबैक आया है आप लोगों में से कोई एक सिंगर है जिसको उन मार्क्स के बेसिस पे मैं पिक करूंगा और उसका म्यूजिक वीडियो अपनी तरफ से स्पॉन्सर करके प्रोड्यूस करूंगा तो हाँ तो उसमें डॉलीवुड का अपना ये कौन सा चैप्टर है चौथा है या पांचवा है चौथा है चौथा है और मैं देख रहा हूँ कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है कि आप में से कुछ सिंगर जो शुरुआत में माइक से घबराते थे सुर छोड़ते थे इंक्रीज मतलब एनहांस कर रहे हैं इम्प्रूव कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंसेस के अंदर जिसमें आप सभी जानते हैं मैं अलग से इंडिकेट करूँगा तो क्या है कि कई बार वो फील करते हो आप लोग बट मैं आई बीन वॉचिंग ऑल ऑफ यू एंड इन ऑल फोर चैप्टर आप लोग इम्प्रोवाइज कर रहे हो आई कैन सी आई कैन फील आप लोग खुद भी लग रहा है कि जैसे अरविंद ने लास्ट टाइम कितना अच्छा परफॉर्म किया था आप लोग कितना इम्प्रोवाइज करने लग गए हो सो दिस इज द बेनिफिट एडवांटेज ऑफ डॉलीवुड टैलेंट क्लब की आप लोग कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हो एंड आई कैन फील आई कैन एक्सपेक्ट दैट एंड आई कैन होप कि फ्यूचर में आप लोग में से अच्छे अच्छे रॉकस्टार निकल के आएंगे एंड वी नेवर नो आप लोग में से कौन सा बैठा हुआ बंदा कल के आने वाले भविष्य में एक सेलिब्रिटी सिंगर होगा मैं कोई आसमानी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं ज़मीनी बातें कर रहा हूँ बस आप लोग मेहनत करते रहिए आईना ज़रूर देखा करिए इसका मतलब क्या होता है आईना देखने का कि सामने वाला बताए या ना बताए अपनी कमियों को पहले नोटिस करना है खूबियाँ तो सबके अंदर है मैं सुंदर लग रहा हूँ बहुत अच्छी बात है जब हम मेकअप करते हैं क्या करते हैं हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं जहाँ जहाँ पे हमारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं हम इनको पहले कवर करते हैं ताकि हमारे उन हिस्से को वो छुप जाएं तो ऐसे ही आईना देखना सिंगिंग के अंदर कि मैंने आज जो गाना गाया कहाँ कहाँ सुर गया कितना थ्रो देना चाहिए था कितना थ्रो नहीं दिया कई चीजें होती हैं सिंगिंग के अंदर जैसे हमारे अजय जी ने कहा कि थ्रो हम लोग क्या करते हैं कि डर के मारे ना अपना वोकल डाउन कर देते हैं वोकल डाउन करने में क्या होता है कि आपका सुर गिर जाता है अजय जी ने कहा कि क्या कहा था कि आप पूरे फोर्स होकर गाना गाइए उसमें क्या हुआ कि एक बार सुर नहीं लगेगा दो बार नहीं लगेगा तीसरी बार तो सुर लग जाएगा ना ये जो यहाँ पे हम लोग गा बजा रहे हैं ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है ये क्लब है तो इसलिए एक बार बेसुरा होंगे दो बार होंगे तीसरी बार बेसुरा नहीं होंगे लेकिन जब भी गाइए खुल के गाइए चलिए तो लोगों ने इम्प्रोवाइज किया है राज्य में आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ आपने जो कहा कि इनमें से ही कोई कल को रॉक स्टार होगा राइट उदाहरण मैं देना चाहूँगा एक रफ़ी साहब का जब रफ़ी साहब वो गलियों में गाया करते थे वहाँ कुंदनलाल सहगल जी का प्रोग्राम था पाकिस्तान में वो नहीं पहुँचे
जनता ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में रफ़ी साहब, क्योंकि उन दिनों भक्ति का गीत गाते थे गली बाजार में, कि किसी ने उनको कहा कि आप मंच संभालो, और रफ़ी साहब ने मंच संभाला, और कौन जानता था वो रफ़ी, आज का रफ़ी कहाँ है आप सब जानते हैं, सिनेमा जगत का लोग उसको सिंगिंग में भगवान मानते हैं। तो आप में से कोई रॉक स्टार हो गए, बात बिल्कुल सही है, नहीं पता कब किसको कहाँ क्या प्रेम मिलता है। मेरे साथ के मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बॉलीवुड में अच्छा नाम, कोई म्यूजिक कंपोजर है, कोई सिंगर है, जानते हैं, तो हम लोग सभी रिस्पेक्ट करते हैं, आप में से वाकई में कोई ना कोई रॉक स्टार होगा, बाकी आपका अपना पोटेंशियल है, वो आपको पहचानना है, आगे लेके आना है। दो शब्द आप भी कुछ बोलिए प्रोत्साहन के लिए। आप सबको नमस्कार, सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, जीवन में बहुत आगे बढ़ो, और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ मैं आपको भी बताऊँगा, कि बोलते हैं कि विनर्स कांट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, तो आप जो भी करें एक्सेल करें, उसमें अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। तो जैसा कि राज भाई ने बताया, आईना देखना, इस बात का बहुत गहरा गंभीर मतलब है, मैं वही सोचा था, वो अपने पे भी लागू करें, जो कमजोरियां हमारी होंगी उनको निराकरण करें, और अच्छाइयों को और अपने गुण को बढ़ाएं, और दुनिया को जीतें, रन ऑफ द बिल भीड़ का हिस्सा ना रह जाए, आए और चले गए किसी को ना बचले, कुछ करके दिखाएं। तो बस यही शुभकामना आप सबके लिए। बिल्कुल, निर्भय पोजीशन बताएं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, मैं टॉप सेवन नाम हमने नाम ले लिए, तो हाँ जी जी, नीचे से निर्भय है, सेवन नंबर पे कौन है पहले, यहाँ पे चलो, नहीं इधर इधर ही देखिए, ये हाँ पोजीशन सेवन पे जो है, और मैं एक बात ये नंबर नाम डिक्लेयर करने से पहले आपको बताऊंगा, जो सातवें पे है वो वन पे भी आ सकता है, आप कभी ये सोचना कि भाई मैं सातवें पे आ गया तो डिसहार्टन मत होना, डिमोरलाइज मत होना, अमिताभ बच्चन की 11 फिल्में फ्लॉप हुई थी, सात हिंदुस्तानी शुरू होकर वो आज नंबर वन है, तो इसलिए अपने काबिलियत पे विश्वास करना और आगे बढ़ना। रिंकू जी हैं 85 मार्क्स के साथ सेवंथ पोजिशन पे, रिंकू जी अच्छा जा चुके। उसके बाद छठे नंबर पर हैं अरविंद जी, 103 मार्क्स मिले हैं, हाथ रेस करें अपना, मुबारक। अगली बार ये मार्क्स बढ़ने चाहिए, है ना, ये घटने नहीं चाहिए। पांचवा नंबर मिथुन जी का, मिथुन जी 109 नंबर के साथ पांचवा, मुबारक। चौथा नंबर है निर्भय, 120 मार्क्स के साथ जी। तीसरा नंबर इसमें है डीपी चौधरी, डीडी चौधरी माफ कीजिएगा, 128 मुबारक डीडी चौधरी साहब जी। तो लास्ट के दो हैं, इनको हम यहां बुला लें, दो नाम है मेरे सामने, ऋषभ और अंशु, आप दोनों आ जाइए। अब वक्त पक्का इन दोनों की धड़कनें रुकी हुई होंगी, क्योंकि दोनों एक के पीछे एक रेस लगाएंगे। अब हाँ जी, क्या फील कर रहे हैं आप, इनको माइक दीजिए ना। पहली बात तो यहाँ तक पहुँच गया, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। मेरे को एक दोस्त है मेरा अक्षय है, अक्षय को आप सभी जानते होंगे, उसने रास्ता दिखाया पर वो भटक गया, वो खुद भटक गया, अब वो खुद ही नहीं आता, बट मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरे लिए वही बहुत है। आगे सर, मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले आप बोलिए तभी मैं कुछ बोल पाऊँगा। मेघा आप बताओ, आपकी आवाज़ सुरीली है ना। मेरी तरफ से तो जिन्होंने आज परफॉर्म करा है वो सारे ही विनर हैं, एंड बाकी इन दोनों ने काफ़ी अच्छा गाया। अब बट इस बार हमने कुछ नया रखा था कि हमने खुद विनर सेलेक्ट ना करके हमने ऑडियंस को ये मौका दिया था, तो उन्होंने जिन्हें विनर बनाया है, राष्ट्र राम बचाओ बोलते हम नहीं, अब सेकंड किया तो आपको सीधा रनरअप की बजाय फर्स्ट विनर को बोल देते हैं, अपने आप अंडरस्कोर ही होता है ना, तभी उस अनाउंसमेंट का मजा होता है जी। नाम तो देख लिया था आपने ना, मैंने जी।
ठीक है जी जी तो आप लोग कैसे कीजिए, कौन हो सकते हैं विनर? भाई जो विनर है ना उनका एक म्यूजिक वीडियो बनेगा स्पॉन्सर्ड बाय मोक्ष म्यूजिक कंपनी, उनको हमारे खर्चे पे स्टूडियो में गाने को मिलेगा, उनका वीडियो बनेगा, उनका म्यूजिक वीडियो मार्केट में ऑफिशियली आएगा और जितने भी डिजिटल म्यूजिक स्टोर्स हैं iTunes, सावन इन सब जगह उनका गाना रिलीज होगा, पब्लिश होगा ऑफिशियली फ्रॉम द बैनर ऑफ मोक्ष म्यूजिक। और हाँ राज भाई हम दोनों एक साथ बोलेंगे विनर थ्री अंशु अंशु विद 148 मार्क्स नंबर वन स्टैंड नंबर वन और आप ही विनर है। भाई तुम सेकंड पे आ गए हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक राउंड था, आपका क्या शुभ नाम? ऋषभ। ये एक राउंड था, ये जीवन की हार नहीं है, जीवन की शुरुआत है आपकी, याद रखना मेरी बात को। और आप ज्यादा उनसे स्ट्रगल करोगे आगे निकलने के लिए, क्योंकि ऊंचाई पे पहुंचना जितना मुश्किल है सस्टेन करना उतना ही मुश्किल होता है, तो आप ज्यादा कोशिश करिए। बाकी पिछले कुछ टाइम से ना मैं ऋषभ की जो परफॉर्मेंसेस थी उनसे उतना खुश नहीं था, मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, बट आई एम सरप्राइज कि इस लड़के ने अपने अंदर इम्प्रोवाइज करके जो सेकेंड पोजिशन अचीव करी है ना, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है एंड आई होप टू सी हिम इन दी ऑन दी फर्स्ट पोजिशन इन यू नो इन कमिंग टाइम्स। या तो कंग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए। चलिए और प्रेरणा हमेशा लता मंगेशकर जी से, उनसे लीजिए, सुरों की साम्राज्ञी जो है उनको गुरु बनाइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निर्मल कश्यप है, आज मैं डॉलीवुड टैलेंट क्लब के इवेंट में यहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया, आज मैंने यहाँ पे दो गाने गाए, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ आके पहले से मेरे गाने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, पहले से मुझे खुद फील होता है कि पहले से अच्छा गा रहा हूँ, और भी बहुत सारे गुणीजनों के साथ मिल के बहुत अच्छा लगा, कुछ अच्छे और भी बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और राज महाजन सर का बारे में बोल सकते हैं कि यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है, और वो जो नए नए कलाकारों को जो चांस देते हैं वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, जैसे आई हैव नॉट सीन एनी मेयर एल्स दैट आई कैन से, एंड आई होप कि ये टैलेंट क्लब जो है ऐसे ही फलता फूलता रहे, अभी बहुत अच्छा करे, और इसमें अच्छे अच्छे कलाकार और आए जिससे कि थोड़ा सा हिंदी कंपटीशन हो तो इम्प्रूवमेंट हो हमारे अंदर और सभी के अंदर, एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर दिस क्लब। हाय, मेरा नाम अंशु चौहान है और बेसिकली मैं आगरा से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, 1.5 साल पहले 2015 जुलाई में दिल्ली आया था म्यूज़िक के लिए स्पेशली, यहाँ मैं अपनी वोकल ट्रेनिंग मेरे उस्ताद तनवीर अहमद खान जी से ले रहा हूँ, गिटार भी ट्रेनिंग स्कूल ऑफ प्रणति सीख रहा हूँ, और अभी जनवरी के महीने में ही मेरे को पता चला था कि यहाँ पर एक शो होता है डॉलीवुड टैलेंट क्लब DTC, तो वो शो मेरे आगे हुआ था, वो 31 दिसंबर को हुआ था, और मेरे को पता चला कि ये होने वाला है 29 जनवरी को, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा और मैंने गाया इसमें, मैंने शुरुआत में गाया डॉलीवुड कंपनी का ही गाना है यारा भी, बहुत ही खूबसूरत गाना है जो राज महाजन जी ने सर ने कंपोज करा है, और बहुत ही, और दूसरा गाना मैंने बॉलीवुड के लिए गाया, बॉलीवुड का जो है सुनौना सन्नी मरमर, और लकीली मैं विनर भी रहा, और सर की तरफ से, राज महाजन सर की तरफ से, डॉलीवुड की तरफ से और मोक्ष म्यूजिक कंपनी की तरफ से मेरे को एक वीडियो सॉन्ग मिला है जिसमें मैं ऑडियो और उसकी वीडियो मैं गा करूँगा राज सर के लिए, और मैं उनको स्पेशली थैंक बोलना चाहता हूँ, थैंक यू राज सर। हेलो, मेरा नाम अरविंद है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ, गुड़गांव में एक बड़ी सी कंपनी है रिसर्च की जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट की रिसर्च होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, म्यूज़िक मेरे ब्लड के अंदर है, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है और मैं परफॉर्म भी करता हूँ, इसलिए मैं डॉलीवुड टैलेंट क्लब के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो कि नए सिंगर्स को मौका देता है अपनी कला को उभारने का। राज महाजन जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं जिनको मैं बहुत आदर करता हूँ, और मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम इस क्लब के साथ जुड़ सकें, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष जैन है, मैं आकाशवाणी में सीनियर न्यूज़ एंकर हूँ, लगभग 2 साल से मैं राज महाजन जी के संपर्क में आया हूँ, और क्योंकि संगीत थिएटर ये कविता ये सब मेरे शौक है, बहुत ज़्यादा पैशन है,
तो इनसे जुड़ता चला गया। मैंने इनके पिछले टीवी प्रोग्राम एंकरिंग किए और गाने गाए उसके अंदर। मुकेश जी से मैंने शुरू किया था जो मेरी मूल वॉइस है, और आज मैं राहत फतेह अली साहब को भी गाया, मैंने अरिजीत को भी गाया। तो बहुत खुशी है मुझे, ये क्लब यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए है और राज जी ने प्रमोट किया भी है, खुद मैंने अपने आप से देखा है। तो मैं तो आप सबसे ये कहूँगा कि इसके साथ जुड़िए, मेहनत कीजिए, हो सकता है आप में जी कर कोई सितारा। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता महेश्वरी है, मैं बॉक्स म्यूजिक से 3 साल से जुड़ी हूँ और आज मैंने यहाँ गाना गाया और बहुत ही खुशी हुई मुझे राज्य से मिलकर कि वो न्यू टैलेंट्स को इतनी आसानी से प्रमोट करते हैं कि बच्चे इतने आराम से गाते हैं कि जैसे वो अपने घर में गा रहे हैं और कंपटीशन की तरह नहीं गाते हैं, बस गाते हैं, मस्ती से गाते हैं और एक मुकाम हासिल करने की तमन्ना रखते हैं, वो तमन्ना राज्य पूरा करेंगे। बहुत से ऐसे गायक होते हैं जो गाते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, पर राजी एक ऐसी हस्ती हैं कि बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं और उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां वो जहां पहुंचने के लिए वो सपना देखते हैं। आप भी चुनिए, आप संगीत से प्यार करते हैं। हाय, मैं ऋषभ शर्मा, मैं बॉलीवुड से पिछले 3-4 महीने से जुड़ा हूँ और मेरे को इस प्लेटफॉर्म में आगे इतनी खुशी मिली है आगे कि आज जैसे कि आज गैदरिंग हुई बॉलीवुड में तो आज मैं 2nd आया, तो मेरे को ये गम नहीं है कि क्या ना।